पिछले 8 सालों में 27.5 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने लोगों के जेब से कमाया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 60 दिनों में 457 रुपीस, 60 दिनों में 457 रुपीस 50 पैसे बढ़ाया गया और 24 घंटे में अब 8 रुपया बढ़ाया गया। स्मृति ईरानी जी से 31 मार्च को जब भेंट हुआ इंडिगो फ्लाइट पे, तभी भी हमने उनको याद दिलाने की कोशिश की। उनसे हमने सवाल किया कि गैस के दाम कम कब होंगे। उनको वो दिन याद दिलाए जब वो सत्ता के भूखे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी और उनको लालच थी भाजपा को कि वो आके सत्ता में बैठे, तो उस लालच के चक्कर में उन्होंने लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया, उन्होंने गैस सिलेंडर स्मृति ईरानी जी ने तब अपने सिर पे उठा उठा के चिल्ला रही थी वो, बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और अब जब मोदी सरकार है, अब जब सत्ता में मोदी सरकार है, मैं स्मृति ईरानी जी से 1-to-1 मिलके भी ये प्रश्न किया हमने कि गैस के दाम अब कम क्यों नहीं हुए। LPG के दाम में 3.50 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है। पिछले 45 दिनों में लगातार 100 रुपया बढ़ाया गया। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 60 दिनों में 457 रुपीस, 60 दिनों में 457 रुपीस 50 पैसे बढ़ाया गया और 24 घंटे में अब 8 रुपया बढ़ाया गया है। इस सरकार को आम जनता की कोई पड़ी नहीं है। अगर आप आंकड़े देखें तो डीजल और पेट्रोल से कांग्रेस के समय में सब्सिडी दिया जाता था और पिछले 8 सालों में 27.5 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने लोगों के जेब से कमाया है। सरकार का काम होता है लोगों के हित में काम करना। जब महिलाएं गैस के बढ़ते हुए दामों से त्रस्त है तो वो अपने घर कैसे चला सकती हैं? डीजल हमारे समय में, पेट्रोल 71 रुपीस 41 पैसे हुआ करता था, आज 105 रुपया प्रति लीटर है। मैं खास करके गैस सिलेंडर के दामों पे बात करूंगी क्योंकि गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों के को लेकर आम गृहिणी त्रस्त है। महिलाएं अपने घर नहीं चला पा रहे हैं। इवन CNG एंड PNG, क्योंकि आजकल PNG के लाइंस लगते हैं, जिस PNG के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते जो बिल्स आ रहे हैं, गैस के बिल्स आ रहे हैं, वो पहले से डबल हो रहा है। हमने महिला कांग्रेस ने बार बार इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने का काम किया। लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़, आम घर की गृहिणी की आवाज़ उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। संसद के दरवाजे पे भी जाके हमने संसद में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से गुजारिश की कि वो लोगों के हित में, आम जनता के हित में, देश के महिलाओं के हित में गैस के दामों पे पूर्ण विचार करें। गैस के दामों में जो सब्सिडी दिया करती थी कांग्रेस सरकार, वो सब्सिडी देना वापस शुरू करें। पर दुख की बात है कि इस सरकार ने आम जनता की आवाज़ सुनने पे, या उससे सुनने पे ही उसे समझने के लिए भी उनके पास ना वक्त है। बार बार इनसे हमने कोशिश किया जाके मिलने की और जब
वो नहीं मिल सके तो जहां पे भी वो मिले, स्मृति ईरानी जी से 31 मार्च को जब भेंट हुआ इंडिगो फ्लाइट पे, तभी भी हमने उनको याद दिलाने की कोशिश की। उनसे हमने सवाल किया कि गैस के दाम कब कब होंगे। उनको वो दिन याद दिलाए जब वो सत्ता के भूखे थे, जब कांग्रेस की सरकार थी और उनको लालच थी भाजपा को कि वो आके सत्ता में बैठे, तो उस लालच के चक्कर में उन्होंने लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया, उन्होंने गैस सिलेंडर स्मृति ईरानी जी ने तब अपने सिर पे उठा उठा के चिल्ला रही थी वो, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब जब मोदी सरकार है, अब जब सत्ता में मोदी सरकार है, मैं स्मृति ईरानी जी से 1-to-1 मिलके भी ये प्रश्न किया हमने कि गैस के दाम अब कम क्यों नहीं है हुए हैं। और ये जनता के सामने, आप सभी के सामने बात है कि स्मृति ईरानी जी ने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो अब जब 3.50 रुपया बढ़ा है, क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि 45 दिनों में गैस का दाम 100 रुपया बढ़ा है? क्या ये झूठ है कि आम गृहिणी मजबूर हो रही है कि वो गैस को छोड़ के चूल्हे पे वापस आए? क्या ये उनके हेल्थ के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने जा रहा है? क्या ये प्रकृति के साथ, क्योंकि जब गैस के दाम बढ़ते हैं तब महिलाओं को चूल्हा जलाने पे मजबूर करता है, जब लकड़ी जलती है तब पोल्यूशन भी होता है और नेचर के पेड़ भी कटते हैं। बहुत सारी वादे, बहुत सारी उम्मीदें इस सरकार ने अपने झूठी वादों के दौरान के तहत लोगों के बीच रखा है। अब वक्त आ गया है इस सरकार को जवाब देने का। मैं आपके माध्यम से इस सरकार में बैठे सारे मंत्री और उस वक्त के आंदोलनकारी, उस वक्त के जिन लोगों ने धरनाएं दी जब कांग्रेस ने 415 रुपया से लेके जब गैस के दाम 430 रुपया तक बढ़ाया गया, 435 रुपया तक बढ़ाए, जो सड़कों पे उतर के चिल्लाते थे, अब उनसे ये मेरा सवाल है कि अब आप सत्ता में बैठे हो, अब कलम भी आपके हाथ में, सत्ता भी आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है, तो गैस के दाम में बढ़ोतरी क्यों और गैस के दाम कम कब होगे? ये ना सिर्फ इस मंच पे बैठे हुए महिलाएं पूछ रहे हैं, ये देश की हर घर की महिला का सवाल है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।